नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपको दिखाया था ग्रामीण क्षेत्र में कैसे अंडा करी बनाया जाता है, और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि रेस्टोरेंट स्टाइल या ढाबा स्टाइल में कैसे अंडा करी बनाया जाता है। इससे ग्रेवी बहुत गाढ़ा रहता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे। अंडा उबाल ले रहे हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों, हमने दो प्याज, एक टमाटर, अदरक और लहसुन और कच्चा मिर्च ले लिए हैं। अभी हम अंडा को मस्त छेदा कर लेंगे। हम सभी अंडे को ऐसे ही छेदा कर लेंगे चम्मच के सहारे। तेल गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें डाल देंगे प्याज। टमाटर और अब कुछ खड़ा मसाला, इसको भी थोड़ी देर के लिए हम फ्राई कर लेंगे। अदरक और लहसुन को बारीक कूट लिए। अभी हम इसमें डालेंगे नमक। दूसरा जो मसाला है, इसमें हम प्याज, लहसुन, अदरक, कच्चा मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी और आपका हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर भी डालेंगे। इसके बाद इसको हल्का सा फ्राई करके फिर हम इसको मिक्स में पीस लेंगे। अभी हम इसमें एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल के उतार लेंगे। ये हमारा मसाला आधा पक चुका है, अभी हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन कलर आ चुका है हमारे मसाले में। अभी हम अंडा फ्राई करने वाले हैं, तो हम तेल डाल दिए हैं। अभी हम इसमें नमक और हल्दी डालेंगे। अभी हम हमारे मसाले को मिक्सी में पीस लेंगे। अंडा भी लगभग फ्राई हो चुका है, थोड़ी देर में हम अंडा भी बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा अंडा फ्राई हो चुका है, कितना बेहतरीन कलर आ चुका है अंडे में। दोस्तों, अभी हम अंडे के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। सबसे पहले हम डालते हैं हल्दी। ये रहा अपना धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
मसाला सीजनिंग हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच में, तो ज़्यादा नहीं डालना है। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा मसाला बनके तैयार, ये हमारा मसाला आ चुका है, मिक्सी में पीस लिए हम लोग, अब देख सकते हैं। तो अभी हम अंडा करी बनाना चालू करेंगे। तो दोस्तों देखिए आगे कि हम कैसे बनाते हैं और कैसा प्रोसेस रहता है, ये ज़रूरी है देखना। तो दोस्तों आगे मिलते हैं। सबसे पहले डाल दिए हम जीरा, और अभी दोस्तों हम लोगों को वही मसाला डालना है जो हम अभी मिक्सी में पीस के लाए हैं। इसको दोस्तों 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। उसके बाद हमें जो सूखा मसाला है जो हम पानी में भिगो के रख दिए थे मिक्स करके, उसको हम इसमें डाल देंगे। तो मसाला फ्राई हो चुका है, इसमें हम डाल दिए हैं शक्कर 1/2 चम्मच, देख सकते हैं दोस्तों मसाला में कराना चालू हो गया। हम डाल दिए हैं वही मसाला जो हम पानी में मिक्स करके रख दिए थे। अब दोस्तों मसाले को कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम लोगों को हल्के आंच में फ्राई करना है। जब तक मसाले का तेल बाहर ना आ जाए तब तक हम लोगों को मसाले को धीरे धीरे हल्के आंच में फ्राई करते रहना है। अभी हम इसमें डाल देंगे आलू जो उबाल के रख दिए थे अंडे के साथ। अभी आलू को हल्का फ्राई कर लेना है मसाले में। तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। अब देख सकते हैं आलू भी मस्त फ्राई हो चुका है। आज में 10 मिनट तक पकाएंगे, उसके बाद हम इसको ढक देंगे तले। दोस्तों हमारा अंडा सही रेस्टोरेंट स्टाइल में ऐसे बनाया जाता है। दोस्तों हम थोड़ी देर के इसको ढक दिए थे। अभी दोस्तों हम अपना सब्जी को नीचे उतार लेंगे। ढक लिए हैं, अभी इसको नीचे उतार के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम जो अपना सब्जी है उसको आपको दिखाएंगे कि इसका कलर कितना बेहतरीन आया है।
यह रहा दोस्तों मरंडा करी जो बन के तैयार है। दोस्तों हम धनिया पत्ती नहीं डाल रहे, बाकी आप धनिया पत्ती डाल सकते हैं, उसमें पहले जो खुशबू आएगा। हम इसमें खड़ा मसाला डाले हैं इसलिए हम इसमें धनिया पत्ती नहीं डाले हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? ऐसी टेस्टी स्पाइसी रेसिपी के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच सके। और दोस्तों आप आसानी से घर में ऐसी टेस्टी टेस्टी रेसिपी बना सकिए, प्लीज़ इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।